सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किचन क्वीन में। और आज हम लेकर आए एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी। तो सुबह के नाश्ते में खिला खिला पोहा कैसे बनाएं, तो चलिए पोहा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो देखिए, हमने एक बड़े बाउल ये पोहा ले लिया है और दो हमने आलू को कद्दूकस कर लिया है, 3 से 4 हमने प्याज को लंबाई में कट कर लिया है। तो चलिए पोहा बनाना शुरू करते हैं। तो हमने गैस पर एक पैन रख दिया है, पैन में ऑयल ऐड कर देते हैं। तो देखिए, तब तक हम पोहे को धुलकर तैयार कर लेते हैं और ऑयल हमारा तब तक गर्म हो रहा है। तो देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया, इसमें 1 चम्मच सरसों डाल देते हैं, सरसों को क्रैक हो जाने देते हैं और इसमें 3 से 4 करी पत्ता इस तरीके से तोड़ कर डाल देते हैं। देखिए सरसों हमारी क्रैक हो गई, तो इसमें प्याज भी डाल देते हैं, प्याज को ब्राउन कर लेते हैं। तो देखिए प्याज को इस तरीके से चलाते रहना है और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। आप इसे सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं, बहुत ही हेल्दी होता है, इसे खाने से जल्दी भूख भी नहीं लगती है और बहुत ही फ़ायदेमंद नाश्ता है, तो आप लोग इसे बना सकते हैं। तो प्याज को इस तरीके से चलाते हुए गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। तो देखिए पोहा को इस तरीके से हमने भिगो कर रख लिया है और ये बिल्कुल अलग अलग हो गया है। तो इसमें 2 हरी मिर्च को भी लंबाई में कट करके हमने डाल दिया है और लंबाई में डाली हुई हरी मिर्च को भी इसी में फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, तो इसमें ये आलू के लच्छे डाल देते हैं। आलू को हमने 2-3 आलू को हमने इस तरीके से कद्दूकस कर लिया। आप चाहें तो इसे बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। आप इस तरीके से लच्छे वाले आलू डालें तो आपका पोहा बहुत ही अच्छा बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो देखिए सभी चीज़ अच्छे से फ्राई हो गई, तो इसमें मसाले भी ऐड कर देते हैं। तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर से इसमें कलर बहुत ही अच्छा आता है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च ऐड कर देंगे, अगर आपको ज़्यादा पसंद तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और मसालों को प्याज के साथ ब्राउन कर लेते हैं। तो देखिए प्याज आलू और सभी मसाले हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो इसमें अब पोहा भी डाल देते हैं। तो देखिए पोहा को पैन में डाल दिया है, मसालों के साथ पोहा को मिक्स कर देते हैं। तो देखिए पोहा को बहुत अच्छे से चलाना है जब तक ये अच्छे से येलो कलर का ना हो जाए, तो ये बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। इसमें गैस का फ्लेम सिम कर देते हैं, सिम गैस पे इसे 5 मिनट फ्राई कर लेते हैं और इसमें ये आधा नींबू डाल देते हैं। तो नींबू के रस से पोहा बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत ही खिला खिला पोहा हो जाता है, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो आधे नींबू को इस तरीके से डाल देते हैं। तो देखिए पोहा में हमने नींबू के रस को डाल दिया है, तो नींबू को भी मिक्स कर देते हैं। बहुत ही अच्छा हमारा खिला खिला पोहा बनकर तैयार हो गया है, तो आप इसे सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो बहुत ही सरल रेसिपी है। आप लोग इस तरीके से एक बार ट्राई करें। पोहा बनकर हमारा रेडी हो गया, गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और सर्व करने के लिए पोहा को एक प्लेट में परोस लेते हैं। बहुत ही टेस्टी हमारा पोहा बना है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, एकदम खिला खिला पोहा बना है और 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। तो आप लोग इस तरीके से ट्राई करें और पोहे को सर्व करने के लिए प्लेट में परोस लेते हैं। तो देखिए हमारा पोहा बनकर रेडी हो गया, बहुत ही जल्दी बन जाता है, तो आप इसे सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी पोहा बना है। तो अगर आप लोगों को हमारी पोहा की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोगों को हमारी पोहा की रेसिपी कैसी लगी, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।